प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपकी कक्षा तृतीय में हिंदी व्याकरण में नया विषय लेकर के आए हैं, वह है विशेषण। इससे पूर्व आपने संज्ञा की जानकारी प्राप्त की। संज्ञा उसे कहते हैं चाहे वह किसी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। जो भी नाम है इस संसार में, हम जो भी देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम है, और जो नाम है वही संज्ञा है। उसके बाद आपने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। अब हम विशेषण पढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा, विशेषण, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे धनवान गुणवान साहसी आदि। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे धनवान गुणवान साहसी। मान लीजिए कोई व्यक्ति धनवान है, तो उस व्यक्ति का जो विशेषता है वो धनवान होने की है, इसलिए ये विशेषण धनवान है। किसी के अंदर गुण है तो वो गुणवान है, तो गुण जो है उसकी विशेषता है, ऐसी साहस उसकी विशेषता है। अब कहते हैं विशेष। अब हम कहते हैं किसे विशेष, किसे कहते हैं? विशेष जिन शब्दों के की विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे
विशेष कहते हैं। कहते हैं जी। देखिए अब ये है युग्म और यहां पर है विशेषण और विशेष। जैसे खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर, अंगूर का खट्टापन इसमें बताया जा रहा है, तो खट्टापन जो बताया है उसकी विशेषता है अंगूरों की, अंगूर यहाँ पर ये खट्टेपन जो है वो है विशेषण और अंगूर है हमारा विशेष। अंगूर विशेष है। इसी प्रकार आपके लाल कमीज, लाल कमीज, तो लाल जो है विशेषण है और कमीज विशेष है, कमीज विशेष है, क्योंकि कमीज विशेष की विशेषता को जो बता रहा है, कमीज की विशेषता है लाल, इसलिए यह विशेषण है, इसलिए यह विशेषण है। जैसे ऊंची मीनार, यहां पर ऊंची जो है वो विशेषण है और मीनार हमारे विशेष है। इस प्रकार आपको यदि कुछ वाक्य दिए जाएं तो उसमें आप छांट सकते हैं विशेषण को, जो विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। इस प्रकार आपका की समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ में आ चुका होगा, और सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और अपना कार्य सही से करें।